कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड बतानी है फिर मेरे को नहीं पता। What is my hidden talent? What is my dream travel destination? So hello guys, welcome back to my channel और मैं आ चुका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो लेके जिसमें की होने वाला है Who knows me better? मेरी बहन जो मेरे साथ बचपन से है 20 साल से है, जो कि मेरे साथ 20 साल से है, 2 साल छोटी हो तुम इससे, 3 साल और मेरा दोस्त जो कि मेरे साथ 6 साल से है। तो आज मैं इनसे पूछने वाला हूँ ऐसे 10 या 12 क्वेश्चन जिसमें कि पता चल जाएगा कि कौन मुझे अच्छे से जानता है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त या फिर मेरी अपनी बहन। तो भाई तुझे कितना लगता है तो कितना जानता है मुझे? हम नहीं जानते इसको। उसके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली बात है कम जानता हूँगा भाई। अबे लेकिन दोस्ती में हर चीज पता होती है ना। तो किसको कितना लगता है तुम? पर क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं कि जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी है और तो अभी देखना है कि इन दोनों में से कौन जीतता है। तो गाइस अब मैं पूछने वाला हूँ इन लोगों से इनका पहला क्वेश्चन। देखना हमें ये है कि किसको ज्यादा पता है मेरे बारे में। क्या पता मुझे पता हो, चलो देखते हैं। फिर तो लड़ाई होगी या लड़ाई? जीतने वाले कुछ है भाई? कुछ भी नहीं है। इज्जत प्रेम सत्कार तेरी इज्जत नहीं चाहिए भाई। चलो आशीर्वाद अट्टा कह रहा हूँ, आशीर्वाद बड़ों का लिया जाता है, तू बड़ा है इंसान, कुछ खिलाई दे। आशीर्वाद आटे का एक कट्टा मिलेगा दोनों से जो भी जीतेगा। तो सबसे पहला और बहुत इजी सवाल है, व्हाट इज माई फेवरेट फूड? मैं बताऊं? अब दोनों में से पहले कौन बताएगा वो बताओ। नॉन वेज में बताना है, वेज में? नहीं मुझे वेज में बताओ। चलो वेज में इसका पनीर, कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर बहुत डिफरेंस है। पनीर और कढ़ाई पनीर दोनों पसंद है इसको। अबे यार चलो गाइस ये क्वेश्चन हटाओ भाई, अब तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं, मिस कर दिया उसने। हां ये क्वेश्चन हटा देते हैं। व्हाट इज माय ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? एलए। यार बताने का एकदम से बोल रहा है। कोई नहीं, अबे रुको तो बताओ, तो मैं बताऊंगा ना सही है गलत है। अब यार इसने एल हो गया तेरा तो यही है, जब है ही भाई पसंद है। तो गाइस ठीक है, ये मेरी पहली, ये अभी टाई है, दोनों के 1-1 पॉइंट है। अब मैं इनसे पूछने वाला हूँ इनका दूसरा सवाल। मुझे लगता मेरे पास ऐसा कुछ है। व्हाट इज माई हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट मेरे को पता है, तुझे सब पता है, तू बता पहले। हिडन टैलेंट? हाँ हिडन टैलेंट क्या है मेरा? टैलेंट इन द सेंस कैसा कैसे वाला को बताना है? टैलेंट भाई तो सोचना पड़ रहा है, टैलेंट तो वैसे है नहीं, पर ये चीज बहुत अच्छे से करता है, इसके अंदर ना पड़ा रहता है, आदत है। नहीं चलो इसकी तरफ से होगा, चुप रह तेरी तरफ से क्या पड़ा रहता है मतलब आलस, मेरा आलसपना, लेजीनेस, मेरा भी वही होने वाला है। पर कुछ जैसे हमने इसको बुलाएंगे तो ये क्या करेगा, सोने का नाटक करता है, तो इसको सोने का नाटक इसको बहुत अच्छे से करना आता है भाई, कोई इंसान बता नहीं सकते। अभी 2-2 पॉइंट हो गए, दोनों बराबर जानते हैं। रुको तुम्हारी बहस क्या, तुम्हें क्वेश्चन मेरा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज माय, ये इसको मुश्किल लगता है, व्हाट इज माय मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव सीन मी डू? मतलब मेरी सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज जो तुमने मुझे करते हुए देखा हुआ। बाल ही सेट करता रहता है अपने 10 बारी, तो ये एडवेंचरस तो है नहीं, बस हमने यही करते देखा है। नहीं मैं बस की नहीं हूँ, पर मैंने वो कर दिया हो। तेरे बस की नहीं हो, तूने कर दिया हो? हाँ भाई पहाड़ों पे राइड से कर लेता है, इसको झूलों से डरने लगता है, झूलों से बस हम दोनों को। ऐसा तो इसने कुछ करा ही नहीं है एडवेंचरस, मेरे हिसाब से तो नहीं करा। बता दे भैया क्या करा तूने, हम जान ले आज इसी बहाने। एडवेंचरस चीज ना, एडवेंचरस चीज होता है, एडवेंचरस चीज जब होती है जब जैसे मेरा ये दोस्त है या मेरा ये दोस्त है तो हम तीनों एक चीज करने से डरते हैं, पर हमने वो कर दी हो तो मतलब इसने कुछ नहीं, तो वो एडवेंचरस चीज हो जाती है। करी होगी हमारे आगे तो कुछ नहीं। अब जैसे ये झूलों से बहुत डरता है, तो मैं झूले, मैं किसी राइड वाइड से डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी चीज से डरता, तो तेरे लिए तो तेरे हिसाब से वो एडवेंचरस होनी चाहिए मेरे लिए, जो हमने जिप लाइनिंग करी थी। अबे जिप लाइन मैंने भी करी थी भाई को। अच्छा करी थी और क्या। गाइज अब जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि वो मेरी बहन को भी पता होना चाहिए और मेरे दोस्त को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ रहता हूँ, तो इसके साथ ऐसे मेरे बहुत सारे कांड है और इसके साथ भी इसको मैं बताता रहता हूँ, तो इसको भी पता होगा। पर मुझे पता है कि मेरा सबसे ज्यादा क्या था। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज माई एम्बैरसिंग मूवमेंट, मतलब जो सबसे ज्यादा मेरा एम्बैरसिंग मूवमेंट रहा हो। ये तो आज ही हुआ है, तूने ऐसा कांड करा हो? हाँ मैंने, या तेरे साथ हुआ है? हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हम दोनों कहीं गए, हमारे साथ कुछ, मेरी सबसे ज्यादा एम्बैरेस, इसने ऐसा कुछ कर दिया बाद में इसको एम्बैरेस फील हुआ। हाँ एम्बैरेस इसको फील हुआ ना, हमें कैसे पता होगा भाई? बता दे तो दोस्त का आजकल बेइज्जती हो गई भाई, मुझे लगता है मेरा दोस्त ने मेरे को आज की वो बताई थी, जैसे हम वहाँ गए उन्होंने मना कर दिया, बट वो तेरी वजह से थोड़ी बात है। नहीं मेरे को नहीं पता, तुझे पता? स्कूल टाइम का हुआ था एक, पर मेरे को याद नहीं आ रहा भाई। मेरे हिसाब से तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है एम्बैरसिंग मूवमेंट जो मैंने देखा हो कि जैसे हम पहले परी के घर स्टे वगैरह करते थे तो ये वॉशरूम में ऐसी छोड़ अरे यार वो होस्ट तेरे को ही पता है तो उसे कह सकता ये फ्लश करके नहीं आता था। ये जानता है मेरे को मतलब थर्ड मतलब 3-2 मैं बताता हूँ क्या होता मतलब ये है कि बस मुझे इतना याद रहता है जाना अपने हाथ धोने और आके सो जाना बस। ये नहीं सोचता कि जो मैं निकाल गया हूँ उसे भागेगा कौन बाहर मतलब मैं ऐसे दबा देता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ तो तुक्के वो मेरे से नहीं दबा मैंने उंगली मारी वो दबा नहीं तो फिर अगले दिन उसके लिए मेरे को थोड़ा वो हुआ कि हाँ सब मेरे को बोलने लगे यार क्या कर लिया पॉइंट आगे आ गया भाई अपने तो बोलो। तो गाइस इसके होते 3 और इसके होते 2। चौथा सवाल है कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है बिल्कुल है बिल्कुल है। मैंने पहले हाँ बोल दिया नाम भी बता दे। हम तो प्यार से दीदी बोलते हैं। तो गाइस 4 और 3 पॉइंट हो चुके हैं अब इनके। अब मैं इनका अगला सवाल है कि व्हाट इज माय फेवरेट वे टू रिलैक्स मतलब मैं सबसे ज्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील करता हूँ बेड पे। अरे नहीं यार फेवरेट वे मतलब कि जैसे वो होता है मतलब डिप्रेशन एक हो जाता है दिमाग में कि यार कुछ नहीं है वो बना तो ऐसी कहाँ मतलब कुछ ऐसा जो मैं जाके करके मेरे को रिलैक्स फील होता हूँ। खाना खा के नहीं कह सकते मेरे हिसाब से खाना खा के कह सकते हैं नहीं तू अपना बता। खाना खा के भी और एक मतलब इसको अरे एक बता चुप रहेगा एक बता। तो ये विशाल से ही कह रहा है ये मेरे कुछ दोस्त भी जानते हैं जैसे मैं टेंशन में होता हूँ ना और के खाना तो मैं खाता हूँ भूख जल्दी खाएगा और खाता रहता हूँ जब तक मेरी जेब के पैसे खत्म नहीं होते मैं खाता हूँ ये खा लो वो खा लो तो उससे मेरी थोड़ी टेंशन दूर होती है। तो इसमें भी इसको एक जॉब पॉइंट ज्यादा नई बात पता लगती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने तो डाइटिंग करता रहता है मैं तो यही तो फर्क है दोस्तों और क्या बोलते हैं बहनों के बीच में। 5 और 3 पॉइंट ठीक है। तो गाइस अब मैं पूछता हूँ इनसे इनका छठा क्वेश्चन। जीता तो मैं वैसे ही पढ़ा आशीर्वाद का कट्टा तो मैं ही लेके जाऊंगा मम्मी को हो जाएगी लड़का गाजे बच्चा आटा लाया है। मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड किस एज में बनी थी एक और सिर्फ एज बताना। मेरे मतलब हमारे टाइम के अंडर बनी है। चल तू अपने टाइम के अंडर बता दे और क्या बोलते तू अपने गर्लफ्रेंड बतानी है फिर मेरे को एज नहीं पता तू बता दे भाई मैं तो हिसाब से बताऊं। ये भी गलत है जब से तेरी मेरी दोस्ती हुई सबसे पहली गर्लफ्रेंड कब बहुत आई थी 2 साल के बाद नहीं जैसे हम लोग जब से मिले हैं हाँ। तो तब से तू जब से मुझे जानता है उस स्पैन में मेरी तो सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनी है तू वो बता दे सर। अबे तू भी नहीं पता साले हट तेरे को पता था बल्कि इसका जवाब तुझे नहीं पता इन दोनों को नहीं पता। तो गाइस ये अल्लाह बताओ क्लास में बनी थी ठीक है मेरी एक लंदन वाली गर्लफ्रेंड थी वो बनी थी इसके टाइम स्पैन के बाद मेरी हाँ वो तो मुझे भी याद है मुझे पता है हाँ, पता है मुझे सबसे विशाल मेरा दोस्त बना है तो मेरी एक मतलब लंदन में गर्लफ्रेंड बनी थी और अब रही मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड की तो मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनी थी जब मैं 7th में था। मैंने 7th में था 10th क्लास की लड़की पटानी थी वो तो 8th में था 7th में था भाई ओए इन्हें लास्ट टाइम हमारे ब्लॉग में बताइए 8th में था तू हां 8th में था मेरे को याद है तूने बताई थी लास्ट टाइम 8th में था तू अरे 2 साल बड़ी थी ना तो हां ये वाला पॉइंट इसको मिलता है चलो इसको पता है कितने हो गए। तो गाइस अब इनके पॉइंट होते हैं 5 और 4। तो गाइस अब मैं इनसे पूछने वाला हूं इनसे मेरा 8वां सवाल जिसमें कि है अगर मुझे कोई एक ऐसा फूड मतलब खाने के लिए दिया जाए जो मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए खा सकूं तो वो कौन सा होगा? चिकन नहीं मतलब एक डिश बता कढ़ाई पनीर मेरे हिसाब से तो खा सकते हैं कढ़ाई पनीर के लिए हमने बोल दिया कुछ भी नहीं 6-5 कट्टा दिल्ली जाने वाला आटा। गाइस अब मैं पूछने वाला हूं इनका 9th क्वेश्चन अगर मैं कि मतलब अगर मैं चाहता कि ये सेलिब्रिटी मेरा दोस्त होता तो वो कौन सा सेलिब्रिटी होता या मतलब कौन सा ऐसा मतलब जो हाँ काफी फेमस हो या कुछ ऐसा कहीं वो मैं तो नहीं तू तो दोस्त ही है होगा तो कोई बाहर का इतना तो मेरे को पता है हाँ इंडिया का तो कोई नहीं होगा नहीं भाई है मेरा भी कोई नहीं पर अगर कोई सजेशन देंगे ना तो उसमें से चूज कर लूंगा कौन सा फिर तो अरे है मजाक कर चल है तो मुझे इतना खास कोई है नहीं पर हाँ ऐसे दोस्त बनाने किसी ने बीटीएस बोला तो कौन ही मार दूंगा चलो हाँ ये खुद को भी नहीं पता वैसे तो हाँ मैं वही कह रही हूँ यार ये पागल है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि हम दोनों में से कौन मतलब आटा लेके जाएगा इन दोनों में से कौन आटा लेके जाने वाला और इन दोनों में से कौन मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है मैंने इन दोनों को बता रखा है कि नहीं मतलब मैं कब शादी करना चाहता हूँ अपनी मतलब मेरी कौन सी एज है एज ग्रुप है बिटवीन इतना तो इतना कि उस एज बताना है या फिर कोई उसके मतलब कि तो मतलब कौन से एज ग्रुप के बीच में मैं शादी करना प्रेफर करता हूँ 27 से 30 अच्छा 27 से 30 के बीच हाँ मैंने वही कहा 28 के बाद ये कभी भी कर सकता है और अगर ये अब इसका करियर सेट हो जाए तो ये अभी भी कर ले। तो 25 के बाद हाँ मैं कर सकता हूँ कभी भी। तो हाँ आधा आधा किलो आटा रहने वाला है। अरे तो इसमें खा लो 25 के बाद। दे दूंगा थोड़ा सा आटा कोई नहीं पर क्लोज को नहीं होता। तो चलो ठीक है गाइस 1 किलो आटा पूरा दिल्ली जाने वाला। तो गाइस अब मैं श्योर आटे के लिए इतना बोला मैं। तो गाइस अब मैं फाइनली जान चुका हूँ कि मेरी बहन से ज्यादा मेरे को दोस्त जानता है, क्योंकि ऑब्वियसली गलती इसकी है क्योंकि मैं थोड़ा दोस्तों के साथ ज्यादा अपनी चीजें शेयर करता हूँ। फैमिली मतलब करता हूँ पर फैमिली के साथ हर बात शेयर नहीं की जाती है। इसके साथ बैठा करना तुम। हाँ तो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।